नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एमएस वर्ड का फिर से नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट मेन्यू बार में सिग्नेचर लाइन फंक्शंस के बारे में। एमएस वर्ड में सिग्नेचर लाइन फंक्शन कैसे काम करता है और हम इसे कब यूज करें, कैसे यूज करें, इसे यूज करने से हमें कैसे क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो आज के जो वीडियो में हम बात करेंगे वो सिग्नेचर लाइन फंक्शन के बारे में बात करेंगे और इससे संबंधित बहुत सी जानकारी हम जानेंगे। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं सिग्नेचर लाइन फंक्शन के बारे में। देखिए दोस्तों, आपके सामने है सिग्नेचर लाइन फंक्शन, यहाँ मिल जाएगा आपको। आपको केवल एमएस वर्ड के इंसर्ट मेन्यू बार में जाना है और सिग्नेचर लाइन आपको टेक्स्ट के टैब में जाकर आपको मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं एक्चुअली में हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि सिग्नेचर लाइन आप समझ ही रहे हैं सिग्नेचर से रिलेटेड है। तो देखिए, यहाँ पर एक लेटर टाइप किया है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर लेटर किसके थ्रू जा रहा है, ठीक है, किसी किसी बॉस, मैनेजर, एम्प्लॉय या आपके कोई बॉस हैं, ठीक है, उनके थ्रू जा रहा है। तो यहाँ पर एक साइन का चिन्ह ड्रॉ करना होता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुत से कंप्यूटर यूज़र लेटर टाइप करते हैं, तो वहाँ पर साइन में कुछ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और एक्स वाई जेड लिख देते हैं, जिससे क्या है, डॉक्यूमेंट थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो यदि उस स्थिति में यदि हम एमएस वर्ड के अंदर सिग्नेचर लाइन फंक्शन का यूज करेंगे, तो हमारा सिग्नेचर वाली जो एक्टिविटी है वो काफ़ी प्रॉपरली तरीके से इसमें आ जाएगी और हमारा डॉक्यूमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। तो इसको यूज कैसे किया जाता है, तो चलिए इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको सिग्नेचर रखना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, चलिए मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पर सिग्नेचर लाइन रखना है, ठीक है, यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर मैं जाऊँगा सिग्नेचर लाइन फंक्शन में और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन फंक्शन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप मेन्यू खुलकर आएगा, जिसमें आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक और डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए आपको सिग्नेचर फॉर एग्जाम्पल, यानी कि आपको सिग्नेचर आपको मतलब किसके नाम पर करना है, ठीक है, उसका आप नाम डालेंगे, ठीक है। अपने बॉस का डाल सकते हैं, एम्प्लॉय का डालते हैं, जिसके थ्रू लेटर जा रहा है। फिर यहाँ पर टाइटल है, टाइटल में उसका पोस्ट क्या है, यानी कि वो एम्प्लॉय है, मैनेजर है, डायरेक्टर है, एक्स वाई जेड है, ठीक है। और फिर ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन फिल कर देंगे तो यहाँ पर उस सिग्नेचर लाइन बन जाएगी और तीनों कंडीशन आपके उस पर्टिकुलर उस पर्सन की इसमें फिल हो जाएगी जिसके थ्रू ये लेटर जा रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर एग्जांपल ले देता हूँ, सोनू कुमार, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर कौन है, तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर है मैनेजर, ठीक है। यहाँ पर उनका ईमेल है कि नहीं, ठीक है, तो मैं फिलहाल मैं केवल सोनू कुमार और मैनेजर ही लिख रहा हूँ। सिंपल से मेरी लाइन फिल होने की, आपका यदि ईमेल डालना है तो आप डाल लीजिए, मैं डाल नहीं रहा, ठीक है। अब भी बात कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर ओके प्रेस कर दीजिए आप, ठीक है। ओके प्रेस करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सिग्नेचर लाइन ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गई है सिग्नेचर लाइन फंक्शन से। तो यहाँ पर देखिए कितना स्मार्ट लग रहा है ये। अब यहाँ पर अपन लाइन ड्रॉ करते हैं तो प्रॉब्लम आती है, फिर नीचे नाम भी लिखना होता है, तो
हम सिग्नेचर लाइन के थ्रू यदि हम अपने लेटर पैड पर सिग्नेचर लाइन फंक्शन से हम अपने लेटर पैड पर सिग्नेचर लाइन ड्रॉ करें तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मेरा कहने का ये मतलब था कि आप सिग्नेचर, जब आप लेटर टाइप करें सिग्नेचर की बारी, आपको लगे कि मुझे सिग्नेचर लाइन ड्रॉ करना है लेटर पैड में, लेटर में सॉरी, तो आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप एमएस वर्ड की इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, एंड थैंक्स एंड बाय बाय।